नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। अब कहाँ है वो बालक और कहाँ है उसका भगवान? जो असंभव है वो बार बार संभव कैसे हो रहा है? अद्भुत, तुमने तो मेरे प्रभु के मार्ग में पुष्प बिछा दिए। इसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरा सुझाव स्वीकार कर तुमने अपना हित सुनिश्चित कर लिया है। नहीं, पराजय का कलंक लेकर कदापि नहीं लौटूंगी मैं। डूब गया ये बालक और साथ में उसकी भक्ति का भी अंत हो गया। इस सागर के जल ने अवश्य निगल लिया है उसे। इस बवंडर में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। ये बालक तो अपनी भक्ति के भंवर में ही उलझ गया। अपने अंत समय में इस बालक को अवश्य ज्ञात हुआ होगा कि उसके भगवान नहीं असुर सम्राट हैं सर्वशक्तिशाली, जो अब मुझसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मेरे अस्त्र शस्त्र सब विफल हो रहे हैं, किंतु बालक कार्तिकेय की प्रदक्षिणा पूर्ण हो गई तो ज्येष्ठ और माता दोनों की ही दुत्कार का सामना करना होगा मुझे। नहीं नहीं, अब तो मुझे स्वयं जाकर उसे रोकना होगा। जाने से पहले एक बार फिर विचार कर लो अजामुखी। पूर्व में मैंने तुम्हें जो भी प्रभु कार्तिकेय के बारे में बताया था उसका स्मरण करो। कदाचित अब समय आ गया है। ये कौन था? गणेश जी ने कहा था कि यहां बुरी शक्तियां सफल नहीं हो सकती, हमें शांत रहना चाहिए। प्रभु कार्तिकेय स्वामी सर्वशक्तिशाली। प्रभु कार्तिकेय सर्वव्यापी है। प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है। प्रभु कार्तिकेय प्राणदाता है। प्रभु कार्तिकेय विश्वेश्वर है।
ये देव सेनापति और गणेश जी की परिक्रमा में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य करेगी, हमें इसे रोकना होगा। उठिए अजामुखी, आपको प्रभु कार्तिकेय के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे प्रभु के दर्शन तो प्राप्त हुए, परंतु उनका आशीर्वाद नहीं। ये उनका आशीर्वाद ही तो है जो आपको उनकी प्रभुता का परिचय प्राप्त हुआ। मत्ती मारी गई थी मेरी, एक बार वीर बाहु के द्वारा दंडित होने पर भी मैं पुनः वही अपराध करने चली थी, किंतु ये मेरी विवशता भी तो थी। जब तक प्राण है तब तक कोई भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, और उसका आरंभ होता है अपनी भूल स्वीकार करने से। आपको प्रभु की लीला का आभास हो गया, आपने अपनी भूल मान ली, तो अब कुपथ को छोड़कर सुपथ पर चलने का प्रण लीजिए और लौट जाइए यहाँ से। ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाना। निरुपाय हो गई हूँ मैं, एक और प्रभु कार्तिकेय है, उनके प्रति श्रद्धा है, और एक और मेरा परिवार है। ना मैं प्रभु के विरुद्ध जा सकती हूँ, और ना ही सफल हुए बिना अपने परिवार के पास लौट सकती हूँ, अन्यथा कदाचित भ्राता मेरे प्राण ही हर लेंगे। चिंता मत करो अजामुखी, प्रभु कार्तिकेय के दर्शन प्राप्त हुए हैं आपको, अर्थात अब आप अपार ज्ञान प्राप्ति की भागी बनेंगी। मेरी माता मेरे ज्येष्ठ जो कर रहे हैं उसके भयंकर परिणाम होंगे, सब नष्ट हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा प्रभु, कोई शेष नहीं बचेगा। अजामुखी, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भय नहीं भक्ति होती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ सभी चिंताएं मिट जाती हैं। तो भयभीत होने के स्थान पर आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, जाइए जाकर समझाइए उन्हें। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। वामदेवो विरूपाक्ष कपर्दिनील लोहित शंकर शूल पाणिश्च खट्वांगी विष्णु वल्लभ। प्रणाम असु सम्राट। तुम भी कारागार में यातना देने वालों के समान कहीं विफल होकर तो नहीं लौटी हो? मैंने कहा था वो लौटेगा तो आपका भक्त बनके, अन्यथा कभी नहीं लौट सकेगा। अर्थात तुमने उसका अंत कर दिया? हाँ असु सम्राट, मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया जिससे उसका बाहर आना असंभव है। डूब गया वो दुष्ट बालक सागर की गहराइयों में। मैं प्रसन्न हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सूचना सुनकर माँ भी अत्यंत प्रसन्न होगी। तो जाओ लेकर आओ उसका शव और फेंक दो उसे देवताओं के सामने, ताकि उन्हें भी ज्ञात हो जाए जो मेरे पुत्र सुरापद्मन की प्रभुता को चुनौती देगा।
उसकी पूजा करने से मना करेगा, उसका कितना भीषण परिणाम होता है। भीषण परिणाम होगा, अवश्य होगा। किंतु देवताओं का नहीं, आपका होगा और भ्राता आपका भी होगा। हमारा होगा, हमारी पराजय होगी, समस्त असुर साम्राज्य, असुर कुल का विनाश होगा। शांत मूर्ख शांत। माँ, मैंने पहले ही कहा था कि ये किसी योग्य नहीं है। नहीं माता, प्रभु कार्तिकेय को पराजित करने गई थी मैं, अनेकों प्रयास भी किए, वो रजत केशा इसका मैंने वध कर दिया था, उसने भी मुझे बहुत समझाया, किंतु मैं फिर भी निरंतर प्रयास करती रही। जिसका वध किया था वो रजत चेष्टा लौट आई तुम्हें सावधान करने के लिए। माँ, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो कार्य करने के लिए इसे भेजा गया था उसमें अपनी असफलता छुपाने का प्रयत्न कर रही है। नहीं ज्येष्ठ, मुझे प्रभु कार्तिकेय के दिव्य रूप के दर्शन हुए तब समझ में आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध ही नहीं, पाप है पाप। दिव्य दर्शन हुए तो ज्ञात हो गया ना कि किसी योग्य नहीं हो तुम। हमारा ये दंभ हमें ले डूबेगा भैया, इसे समझने का प्रयास करें। जो परम ब्रह्म है उन प्रभु कार्तिकेय से युद्ध करने का परिणाम हमारा ही नहीं समस्त असुर कुल का विनाश होगा। माँ, रोके इसे, अन्यथा मेरा ये क्रोध इसे भस्म ना कर दे। एक तुम हो और दूसरी तरफ ये दंडनायिका। कार्तिकेय को जो भगवान मानता था उस बालक जयंत का वध कर दिया इसने। जो कार्य इसे सौंपा गया था इसने पूर्ण किया। उसका वध हुआ तो उसका आनंद मिटाने ये लौट आई उस कार्तिकेय का गुणगान करने। प्रभु कार्तिकेय के सच्चे भक्त का अहित असंभव है। अच्छा, तो रजत केष्टा भी तो उसकी भक्त थी, उसका वध तुम कैसे कर सकती हो? तब क्यों रक्षा नहीं की तुम्हारे पर ब्रह्म भगवान ने? उसका अंत हुआ अवश्य, किंतु इसलिए कि उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था, किंतु उस बालक का उद्देश्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। और जैसे रजत केष्टा ने कहा था, परम ब्रह्म प्राण दाता है, जीवन और मृत्यु दोनों के दाता है वो। इसलिए मेरा क्या, किसी का भी अंत उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। परम ब्रह्म प्रभु सुब्रमण्यम की इच्छा के बिना जयंत का जीवन कदापि नहीं मिट सकता। जयंत का जीवन कदापि नहीं मिट सकता। देखा आपने, सत्य कहा था ना मैंने, जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे कोई नहीं मार सकता, उसके शरण बस।
बहुत हुआ। अब मैं उसे अपनी माया से बंधी बनाऊंगी। जितना जपना है उतना जप, किंतु अब तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। घोर आश्चर्य, समुद्र की गहराइयों में जाकर भी तुम जीवित हो? हाँ, जीवित भी हूँ और प्रभु की भक्ति में मग्न भी। जब मेरे प्रभु सृष्टि के कण कण से लेकर सागर की हर बूंद में हैं, तो वो भवंडर तो उनके गोद ही है ना, और भला प्रभु के गोद में उसकी भक्त की क्या क्षति होगी। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। कहते हैं डूबने वाले को एक तिनका भी बचा लेता है, पर मेरे पास तो प्रभु का आशीर्वाद था, तो मुझे भला कुछ कैसे हो सकता है। ये वही दिव्य मोरपंख है जिसने मेरे लिए तिनके का कार्य किया, मुझे उस बवंडर से निकाला। तो सुरा पद्मन जी, अब तो प्रभु की लीला का प्रमाण मिल गया आपको, अब तो मेरा सुझाव स्वीकार कर लीजिए। इस दुस्साहसी बालक का अंत मेरे हाथों ही लिखा है, मैं अवश्य दूंगी इसे मृत्यु। इस पंख को थाम कर इस द्वार तक तो लौट आए, किंतु अब इस पंख के साथ ही भस्म होगे तुम। जब सेवक नियंत्रण से बाहर हो जाए और उसे देख दूसरे भी अनियंत्रित होने लगे, तो उसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबकी आत्मा कांप उठे। और हमारे सामने बोलने का तो क्या, शीश उठाने तक का साहस न कर सके। भस्म करो इसे, अवश्य भस्म करो, किंतु स्वयं नहीं, इसे अग्नि देव की अग्नि से करो, सभी देवताओं की उपस्थिति में करो, जिससे सबको ज्ञात हो जाए कि कार्तिकेय भक्ति करने का परिणाम क्या होता है। हे रुद्र रूपाय, हे अग्नि मूर्थाय, हे तेजोश्वराय, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पुत्र, निष्ठा से
अरुणाचलेश्वर गिरी की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम अग्निभूत के समान स्थिर हो, इसलिए अब तुम्हारी अग्नि शक्ति को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। किंतु अग्नि तत्व को पाने के लिए तुम्हें उसके गुण और प्रकृति का परिचय देना होगा। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। अपने पुत्र जयंत के डरावने दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे कुमार कार्तिक, इस मुश्किल की घड़ी में एकमात्र आप ही आशा की किरण है। मेरा पुत्र जिस भी स्थिति में, कृपया उसकी रक्षा कीजिए उसकी। अग्नि की प्रकृति है उसकी उष्मता, और उसका गुण है उसका ताप। जब सेवक नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबकी आत्मा कांप उठे। अग्निदेव भस्म करो इसे। अग्निदेव अग्नि की प्रकृति है उसकी उष्मता, और उसका गुण है उसका ताप। तो जैन का संकट बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माता चिंता मत कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। आइए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, अग्नि का चक्र मणिपुर एवं वर्ण लाल है। अनुचित है, अनर्थ है ये। बहुत आनंद आएगा जब देवराज का पुत्र एक देवता की ही अग्नि से भस्म होगा। मेरी पुत्री होकर हमारे शत्रु के दुख से दुखी है तो दंड की पात्र तो ये भी है, किंतु सर्वप्रथम इस बालक का अंत होना चाहिए। जयंत पर अग्नि का कोप छाया है।
किंतु प्रभु की कृपा उसे सुरक्षित रखेगी। और अग्नि का मंत्र है रंग। पुत्र, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर उचित दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तीसरे पंचभूत तत्व अग्नि की शक्ति प्रदान करता हूँ। वो अग्नि जो पहले से ही तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी थी, अब अपने चरम तक पहुंचेगी और तुम अपनी एकाग्र इच्छा शक्ति से उसकी दिशा भी मोड़ सकोगे। जय अग्नेश्वराय अरुणाचलेश्वर रुद्र। इस वरदान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जो आपने मुझे वरदान स्वरूप दिया था, उसे सुरक्षित रखने में मेरी सहायता कीजिए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। अचानक प्रभु के मुख पर ऐसा कठोर भाव क्यों आ गया? हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। मेरे प्राण जाए तो जाए, किंतु प्रभु के इस आशीर्वाद को मैं कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। देखिए भ्राता, इसकी निश्चल भक्ति आपके सामने है। इसे अपनी चिंता नहीं, किंतु प्रभु ने इसे उपहार स्वरूप जो मोर पंख दिया था, ये तो उसकी रक्षा के लिए ही तत्पर है। प्रभु ने दिया था इसे, ये व्यर्थ का मोर पंख। मूर्ख है वो और मूर्ख हो तुम। किंतु मुझे विश्वास, इसका परिणाम देख तुम्हारे भीतर की भक्ति भी भस्म हो जाएगी। अग्निदेव, केवल तुम्हारी पत्नी का ही नहीं, अन्य देवताओं की पत्नी का जीवन भी संकट में है, तो अपनी संपूर्ण शक्ति से अग्नि का प्रयोग करो। मुझे क्षमा करना पुत्र जयंत, तुम मेरे भी पुत्र जैसे ही हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के स्थान पर तुम पर ही अग्नि का प्रहार कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करना पुत्र। अब निश्चिंत रहिए अग्निदेव, मेरी रक्षा तो स्वयं प्रभु कार्तिकेय स्वामी करेंगे।
देवराज। अब इस अग्नि में झुलस कर रह जाएगा ये दुष्ट। शीघ्र इसके अंत के साथ इसके गान का भी अंत हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये अपनी विवशता में क्या कर बैठा। अब तो इसकी भेड़ियां तक पिघल रही हैं, तो ये भला कैसे बचा रहेगा? अंत हो गया उसका, शेष नहीं बचा वो दुष्ट। नहीं नहीं, ये उचित नहीं हुआ। कार्तिकेय स्वामी की जय। ऐसा कैसे हो सकता है, ये अभी भी जीवित है। जयंत पुत्र, किसने की इसकी रक्षा? भक्ति की शक्ति ने की है रक्षा इसकी, भक्ति की शक्ति ने। देखा अग्निदेव, मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा कर ली। उनकी कृपा से ना मेरे पंखों को हानि हुई ना ही मुझे। इस राजभवन का जलना हमारी सत्ता और अस्तित्व को चुनौती है। अब तनिक भी ग्लानी मत कीजिए अग्निदेव। देखिए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तू आपकी अग्नि तो
मुझे तो स्वयं प्रभु के तेज के समान लगी, जिसमें स्नान होकर मैं धन्य हो गया। ऐसा क्या है उस कार्तिकेय में? इतनी शक्ति कैसे उसमें? प्रभु, आपके अग्नि स्वरूप के दर्शन पाकर हम सभी धन्य हो गए। और देव सेनापति, आपने जो कुछ भी किया मेरे पुत्र जयंत की रक्षा के लिए किया। अब मेरा पुत्र अवश्य सकुशल होगा। वो स्वयं भी सकुशल है और अन्य देवताओं की प्रेरणा उनके उत्साह का स्रोत भी बना हुआ है। इसीलिए अब जयंत की चिंता त्याग कर आप सभी आगे बढ़कर अगले पंचभूत स्थल के मार्ग का विचार कीजिए। अभी तक हमारा मार्गदर्शन करने वाले गणेश जी कहां चले गए? मैं भी चकित हूं। इस बार उसने रुकने या हमारे साथ चलने का हट नहीं किया। अभी तो मेरे कुछ कहे बिना ही आगे चला गया। देव सेनापति, आप जो कहना चाहते थे प्रथम पूज्य गणेश जी अवश्य समझ गए होंगे। नहीं देवराज, इसका अर्थ है कि गणेश के मन में कुछ और ही चल रहा है। गणेश जी आकाश में? देव सेनापति, आपने उचित कहा था। अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी के मन में कुछ है। कदाचित वो हमें कोई संकेत देने का प्रयास तो नहीं कर रहे? हाँ देवराज, लगता है जैसे आकाश भी विशेष चित्रण कर रहे हैं वो। गणेश हमारे अगले पंचभूत स्थल पर जाने के मार्ग का चित्रण कर रहा है। मैं गणेश को अपने साथ आने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, किंतु वो इतना चतुर है कि किसी न किसी प्रकार से हमारी सहायता करने का उपाय ढूंढ ही लेता है। और गणेश के संकेत के अनुसार हमारा अगला धाम आकाशभूत स्थल हो सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां पहुंचने के लिए हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी, और अद्भुत है उनकी प्रत्येक लीला। मूषक जी, आपसे कहा था ना मैंने, प्रसाद खाने में लालच नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आपके लालच के कारण आपकी गति धीमी हो गई ना। वाह प्रभु, जो स्वयं आपने किया उसका दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं। आपने अधिक भोजन किया इसीलिए तो मेरी गति धीमी हो रही है। मूषक जी, थोड़ी गति बढ़ाइए। चिदंबरम धाम पहुँच कर वहाँ की कथा को पुनः स्मरण करना है, जिससे कि विवाह के लिए कोई सीख प्राप्त हो जाए और हम भ्राता को बता पाएं, क्योंकि अब तो दो ही धाम शेष हैं। उन्हें पूर्ण करने के पश्चात भ्राता की यात्रा भी सफल हो जाएगी, तो कहीं हम उन्हें विवाह के लिए मनाने में असफल ना हो जाएं। उचित है प्रभु, फिर आप कथा का विचार कीजिए और मैं गति बढ़ाने का। बालक जयंत, प्रभु तो अपने भक्तों में ही वास करते हैं, इसलिए तुम प्रभु हो अथवा नहीं ये मुझे ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि उन्होंने तुम्हारे माध्यम से ही अपनी लीला का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे भीतर भी प्रभु की ही दिव्यता है। ओम।
ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। जिसे मैंने जन्म दिया आज वो मेरे ही विरुद्ध खड़ी है। रजत केष्टा के वचन सर्वथा सत्य है। आज तुम्हारी भक्ति को आधार बनाकर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया। ज्येष्ठ माता, आप स्वयं इस चमत्कार के साक्षी हैं, तो अब तो स्वीकार कीजिए प्रभु की प्रभुता को, उनकी भक्ति को, उनकी शक्ति को, और शरणागत हो जाइए उनके। असुर सम्राट, ना भक्ति है, ना ही शक्ति, ना ही कोई चमत्कार है। भूल हो रही है हमें अपने अस्त्रों के चुनाव में। जो तत्व इन देवताओं के नियंत्रण में हैं, उनका प्रयोग करते आ रहे हैं हम। जल अग्नि से इसका वध करने का प्रयास किया हमने, तो विफल तो होना ही था, क्योंकि ये छली देवता अपने किसी के भी विरुद्ध अपने तत्वों का प्रहार कभी सफल नहीं होने देंगे। कारण कोई भी हो, किंतु ये बार बार सुरक्षित होकर मेरा घोर अपमान कर रहा है। मेरे पास एक ऐसा समाधान है जिससे आपके अपमान का कारण मिट जाएगा। कालकूट विष। कोट विष की कोई काट नहीं। उचित कहा माता आपने। इस कालकूट विष से तो बड़े बड़े देवता भी अपने प्राण गवा बैठते हैं, फिर ये तो एकमात्र देव बालक है। तो विलंब मत करो, आगे बढ़ो और पहुंचा दो इस भक्त को अपने भगवान के पास। हृदय है तो फिर आपके मन में इस निर्दोष बालक को देखकर स्नेह और मातृत्व का भाव कैसे जागृत नहीं होता? इसे इतने भयंकर विष का पान करवाना आप कैसे स्वीकार कर सकती हैं?
सभी तो देवता है ना, तो आप सब लोग मूक दर्शक बने क्यों खड़े हैं? जयंत के समान हमें भी अपने प्रभु में अटूट विश्वास है। विश्वास तो मुझे भी है प्रभु, किंतु कालकूट में जिस विष का वास है, कहीं वो उसके अंत का कारण बन गया तो? देवगण उचित कह रहे हैं देवी अजामुखी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। नहीं ज्येष्ठ, प्रभु और कुछ भी सहन कर सकते हैं, किंतु अपने भक्तों की पीड़ा नहीं। इसलिए यदि इसका कुछ भी अहित हुआ तो आप प्रभु के अपार कोप के भागी बनेंगे, फिर आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। सुरापत मन को किसी से भी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्रोध और कोप तो मेरा श्रृंगार है, रक्षा की आवश्यकता तो तुम्हें है। तुम जो असुर साम्राज्य और असुर जाति के विरुद्ध अपने विद्रोह की सारी सीमा लांघने का घोर अपराध कर रही हो। अपराध मैं नहीं, आप कर रहे हैं। इतना समझाने पर भी आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। मैं इस कालकूट विष को ही नष्ट कर दूंगी। अजमुखी रुक जाओ, अब इस विष का पान तो अवश्य करेगा ये बालक, वो भी तुम्हारे हाथों से। यहाँ तो सब कुछ अद्भुत ही प्रतीत हो रहा है। उचित कहा आपने सेनापति वीरबा, मुझे भी यहाँ एक अद्भुत सी दिव्यता का अनुभव हो रहा है, अर्थात हम अपने गंतव्य के निकट पहुंच चुके हैं। अरुणाचलेश्वर के निकट पहुंचते समय मुझे महान तेजो लिंगम के दृश्य रह रहकर बार बार दिखाई दे रहे थे, किंतु यहां तो मुझे प्रभु की नटराज मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। हाँ देव सेनापति, इस बार तो प्रभु नटराज के दर्शन हमें भी हो रहे हैं। फिर तो इन दोनों बातों का अवश्य कोई संबंध होगा। मुझे ये पाप करने के लिए विवश मत कीजिए। पाप कैसा पुत्री, तुम्ही ने तो एक अंतिम अवसर मांगा था, तुमने उसे व्यर्थ कर दिया। हमारे शत्रु की भक्त बनकर लौट आई और अब वही पाठ हमें पढ़ा रही हो, किंतु हम तुम्हारी तरह भीरू नहीं जो दूसरे की सत्ता को स्वीकार कर ले। हाँ माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका ज्येष्ठ का अपने समूचे परिवार का भला चाहती हूँ। तो आगे बढ़ो और इसका प्रमाण दो।
रही हो पुत्री, तुम्हीं ने तो कहा था कि वो परम ब्रह्म है, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं, तो इसका प्रमाण देने में इतना संकोच क्यों? नहीं माँ, मैंने कहा प्रमाण दो, कालकूट विष का पान कराओ इसे और सब प्रमाणित करो, अन्यथा मैं स्वयं तुम दोनों को ये विष पिला दूंगी। देवी, आप मुझे ये कालकूट विष पिलाने में इतना संकोच क्यों कर रही हैं? आप तो स्वयं उनके आशीर्वाद के चमत्कार के साक्षी रही है, जो प्रभु की प्रभुता, फिर इतनी विचलित क्यों हो रही हैं आप? जिसे प्रभु की प्रभुता का परिचय पा सका हो, उसे बोला कैसा भय? चिंता मत करो अजामुखी, प्रभु कार्तिकेय के दर्शन प्राप्त हुए हैं आपको, अर्थात अब आप अपार ज्ञान प्राप्ति की भागी बनेंगी। स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ने भी मुझसे यही कहा था। गणेश, गणेश, ये तुम कर क्या रहे हो? ओह, आप भी यहाँ पहुँच गए भ्राता, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। पहले तो तुम मुझे ये बताओ गणेश, कि तुम्हारी ये नृत्य मुद्राएं, ये सब क्या था? वो तो आनंद तांडव था। आनंद तांडव? हाँ हाँ, आनंद तांडव। चिंता मत कीजिए, मैं उसकी संपूर्ण कथा आपको सुनाऊंगा, किंतु सर्वप्रथम ये बताने दीजिए कि आप अंततः आकाशलिंगम स्थल चिदंबरम पर पहुंच चुके हैं, वो स्थान जहां प्रभु के आकाशमय भीम स्वरूप आकाश मूर्ति का स्थान है। इतना ही नहीं, इस स्थान से एक और कथा जुड़ी है, शेषनाग की अपने दूसरे जन्म में पतंजलि बनने की कथा। यही वो स्थान भी है जिससे योग सूत्रों की कथा जुड़ी है। मुझे क्षमा करना, कुछ समय के लिए मैं प्रभु की दिव्यता भूल गई थी, किंतु अब जितना विश्वास तुम्हें है उन पर, उतना ही मुझे भी है, और अब मैं अपने विश्वास से ये विष तुम्हें दे रही हूँ, अपने माता और ज्येष्ठ के आदेश से नहीं। अब ये प्रभु कार्तिकेय में मेरे विश्वास, मेरे आस्था की परीक्षा है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। क्या हो रहा है? जयंत का शरीर नीला पड़ने लगा है। और इन सभी से अधिक महत्वपूर्ण,
प्रभु के आनंद तांडव की कथा भी इसी स्थान से जुड़ी है। माता, अब तो आप चिंतित नहीं है ना? नहीं पुत्री, तुम्हें प्रभु कुमार कार्तिकेय पर विश्वास है। तुम्हारे पिता जो स्वयं देवराज है, उन्हें भी प्रभु कार्तिकेय पर अपार विश्वास है। यहाँ तक कि इन पर संपूर्ण जगत को अटल विश्वास है। तो भला मैं किसी भी प्रकार का अविश्वास कैसे प्रमाणित कर सकती हूँ? वो अपने किसी भी भक्त पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। हे प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए, इस अनिष्ट को होने से रोक लीजिए। भक्ति की अमृत के समक्ष तो भयंकर से भयंकर विष भी निष्प्रभाव हो जाता है, फिर जयंत जैसे भक्त पर इस विष का प्रभाव कैसे हो सकता है? जयंत आपका परम भक्त है प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। इसके शरीर के रंग को देखकर तुम सभी के मुख का रंग फीका पड़ गया ना? अब कदाचित मेरी शक्ति के भयंकर रंग से तुम सब परिचित हो गए होंगे। घोषणा कर दो, जो मेरे पुत्र सुरापद्मन की सत्ता को चुनौती देगा उसका यही परिणाम होगा। जयंत पुत्र, कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप प्रभु के प्रभु था, उनके महिमा में सदा विश्वास रखिए, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं, विश्वास रखिए। विश्वास नहीं, कालकूट विष का वास है तुम्हारे तन में, तुम्हारे अंत के साथ तुम्हारे विश्वास का भी अंत होगा। अब उस बालक कार्तिकेय की कोई भी माया तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। बंद करो यह नरगल जाप, जपना है तो भगवान सुरापद्मन को जपो, क्योंकि वो चाहकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए देवताओं ध्यान से सुनो, सुरापद्मन के प्रकोप से एकमात्र सुरापद्मन ही अर्थात मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। विश्वास रखिए, जो सभी प्राणियों के लिए मूल तत्व है, उन प्रभु की करुणा किसी दुष्ट के प्रकोप से कहीं महान है, और उनकी दया किसी कष्ट और पीड़ा से बढ़कर है। महादेव का आनंद नृत्यम तो अत्यंत आनंदमय होगा, तो हमें उसका और ज्ञान देने की कृपा करें प्रथम पूज्य गणेश जी। हाँ गणेश जी, हम आनंद नृत्यम के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। गणेश जी इतने चिंतित क्यों हो गए? ऐसा लग रहा है जैसे स्वामी के भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही है। द्रोही अजमुखी, भंग हो गया तुम्हारा विश्वास या अभी भी कुछ शेष है? चलो हटो वहां से, अन्यथा उसके साथ तुम्हें भी गिरा दूंगा मैं। नहीं प्रभु, भक्त ऐसे नहीं गिर सकता। मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे,
रुक जाओ। देवताओं, अब तुम्हारा और दुस्साहस नहीं सहन करूंगी मैं। ये कैसा अपराध हो गया मुझसे, मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हे प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए अपने भक्त की। विश्वास भंग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, ओम कार्तिकेय स्वामी। भ्राता कार्तिकेय के क्रोध का अर्थ है देवता अथवा जयंत किसी संकट में है। जयंत संकट में है। सुब्रमण्यम स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। इस विकट परिस्थिति में भी जब पुत्र जयंत अपने विश्वास पर अड़िग है, तो हम अपने विश्वास को कैसे डिगने देंगे? ओम कार्तिकेय। प्रभु, मुझे विश्वास है और सदा रहेगा कि आप अपने इस भक्त को कुछ नहीं होने देंगे। जप लो उनका नाम, जप लो अंतिम बाल, जप लो, क्योंकि मेरी लीला के समक्ष उसकी लीला, उसकी माया, सब के सब धरे के धरे ही रह जाएंगे। प्रभु कार्तिकेय अपने भक्तों को निराश नहीं करेंगे, वो अवश्य इसकी रक्षा करेंगे। जयंत, परम ब्रह्म कहते हो ना उस बालक कार्तिकेय को, अपना भगवान कहते हो ना, किंतु देखा समय आने पर तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी भक्ति का मान नहीं रखा। क्या कहा था इसने? डूबते को बचाने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है, किंतु देखो अब कैसे एक तिनके के समान निर्जीव पड़ा हुआ है। इस तुच्छ मोर पंख अपने भगवान का चिन्ह मानकर बैठा था ये मूर्ख। ऐसा माया भी मोरपंख है, क्या हो रहा है? इस पे विष का प्रभाव कैसे मिट सकता है, वो भी कालकूट विष का? यह अवश्य प्रभु की ही कृपा है, जयंत पुनः कुशल हो रहा है। यह
ये स्वामी की प्रतिमा को क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? सेनापति का शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? अकारण नहीं है ये, अवश्य भ्राता किसी गरल भयंकर विष का प्रभाव स्वयं के ऊपर ले रहे हैं। विष? कैसा विष? किसे विषपान से सुरक्षित कर रहे देव सेनापति कुमार कार्तिक? स्वामी रक्षा कीजिए। विपत्ति के समय भगवान भक्तों के कष्ट अपने ऊपर उसी प्रकार ले लेते हैं जैसे माता पिता अपनी संतान के कष्टों को स्वयं वहन करते हैं।